समस्या समस्या सब करे, समाधान ढूंढे ना कोई, रील्स पे सभी हिले, समस्या पे हिले ना कोई। भैया जी ढक्कन बंद है। अरे सॉरी। साथी हाथ बढ़ाना, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि साथी ने कभी हाथ बढ़ाया ही नहीं और हीरे को मोती का साथ मिला ही नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ जन भागीदारी माना जाता है, परंतु ऐसा लगता है कि इस स्तंभ की रचना के दौरान कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे खा लिए और सीमेंट की बोरियाँ कम पड़ गई। तो बिना बातों की गहराइयों को समझते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज चाय की टपरी पर क्या नया है। तो भैया जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पान के बड़े शौकीन हैं, तो खई के पान बनारस वाले बाबू मुझे ये बताइए कि कोरोना काल में लोगों की परिस्थिति किस तरह बिगड़ी है। अरे तुम दूसरों का देखोगे, हमें देख लो। अरे खेसारी की सस्ती आधार कार्ड फोटो कॉपी सीधे सीधे नहीं बता सकता। अरे यहाँ लोग स्वच्छता अभियान के नारे लगा रहे हैं और आपने उसी पर थूक दिया। ई ना चौल बे। अरे हमारे एक करने का ही होगा, बताओ। स्वच्छता मेरे बापू का सच्चा सपना था, उसको पूरा करने के लिए सब अपना योगदान दे रहे हैं। और बता। सब ईश्वर की कृपा है भाई, तुम बताओ। अरे और फायदे बता, छोड़ देने दे। सफाई करना सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं होती, हमें इसी मानसिकता को बदलना है। हमें इस देश को स्वच्छ बनाना है। ईश्वर की मन की प्राप्ति के लिए हमारा मन तन धन सब साफ होना चाहिए, इसीलिए स्वच्छता अनिवार्य है। केवल सीमा पर जाकर गोली खाना ही सच्ची देश सेवा नहीं होती, बल्कि अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाना ही सच्चा कर्तव्य होता है। आपके इस बातों को सुनकर मुझे एक गाना याद आता है, स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, देश को स्वच्छ बनाने का निश्चय, निश्चय कर लिया हमने। हाँ तो ज्ञानचंद, मेरा मतलब है खई के पान बनाने वाले बाबू, जन भागीदारी का एक रूप यह भी था जिसे आपने अभी देखा। खैर वो सब छोड़िए, मुझे मतदान के बारे में बताइए। बाबू क्या ही बताएं, देखो मतदान वगैरह तो हम करते ही नहीं, ठीक है। कौन सा हमारे एक कर्नल भारत की समस्या दूर हो रही है, ठीक है। और तुम्हें एक बात बताएं, इधर आओ। ईवीएम वगैरह ना सब हैक होता है, वो तुम नहीं देखते। कैसे रिपोर्टर बाबू हो तुम भाई, कैसे रिपोर्टर हो? इनकी बातों को इग्नोर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक चाय वाली की मतदान के ऊपर क्या राय है। वैसे भी मौजूदा परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है कि पूरे विश्व को भारत की चाय बड़ी प्यारी लगती है। मैडम जी, इधर मतदान के ऊपर आपकी क्या राय है? अरे भैया, भारत के आधा ज्यादा समस्या हमर मतदान न देवे कारण होते। छोटू मैडम को एक अमन ऊ देश के रवैया हवन, जहाँ मतलब शराब के बोतलों और नोट की गड्डियों से तोले जाते, ए पीढ़ी कैंडल लेके घूमे वाले हवे, और एमन ला बात के खाल निकाले के लोग कुछ नहीं आए। एक बार वो अंग्रेजी भाषा के चिटिर पिटिर का बोलते, वो का बोले रही वो ज्यादा जरूरी है। अरे एक्सीडेंट हो गया लग रहा है वहाँ पे, बहुत घातक एक्सीडेंट। सड़कों की गड्ढों का मारा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सड़कों की गड्ढे इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रे। क्या? अरे डंडल बाबू क्या कर रहे हो? आपके इस विशाल बुद्धि से सोचे गए विचार एवं ईश्वर समान मुख से निकले शब्दों को सुनकर मैं हैरान हूँ। ताना मार रहे हो, क्या गलत बोला हमने? हाँ ताना ही समझिए। खैर ये सब छोड़िए, हमें ये बताइए कि टैक्स भरते हैं? देखो बाबू बात अच्छी है, एक मिनट। टैक्स वगैरह तो हम भरते हैं, हमें पता है कि हमारा दिया हुआ पैसा कल खा लिया जाएगा, इसलिए हम भरते नहीं। तुमने तो ये आत्मनिर्भर भारत के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। ये अभियान भी कल स्वाहा हो जाएगा, हमें पता है हमारे एक के कुछ करने से कुछ होगा नहीं, इसलिए हम करते ही नहीं, समझ? अरे क्या ही कर लेंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा लड़ाई हो रहा है। ओह तो मैडम जी, यहाँ पे World War III क्यों शुरू हो गया है? यही है कि टैक्स भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। चाहे जो भी इनकम तुम्हारी, जो भी एज और सेक्स, किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं है, सबको भरना टैक्स। देखो भाई, पूंजी हमारी, मेहनत हमारी, हम क्यों दे सरकार को टैक्स? देखो तुमको सरकारी व्यवस्था सब चुस्त चाहिए, लेकिन तुमको टैक्स भरना नहीं है। इनको इनके पात्रों में ही रहने देते हैं, हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। अभी तक आपने जितनी भी बीमारियों, स्वच्छता, मतदान, टैक्स, आत्मनिर्भर भारत, इन सभी बीमारियों का सिर्फ एक ही टीका है, जन भागीदारी। धन्यवाद।